कभी शाहरुख खान की आवाज बनकर मशहूर हुआ था ये सिंगर। यौन उत्पीड़न का लगा था आरोप, तो जबरन किस करने का भी लगा था इल्जाम। सिंगिंग के बादशाह रह चुके विवादों के सरताज। ये बातें हम किसी और के बारे में नहीं, बल्कि अपनी मीठी और दिलकश आवाज के फैंस को अपना दीवाना बनाने वाले बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में कर रहे हैं। एक वक्त था जब अभिजीत की जादुई आवाज का हर कोई फैन था। उन्हें बादशाह शाहरुख खान की आवाज तक कहा जाने लगा था। लेकिन जिस आवाज के नाम से उन्हें फेम मिला, उन्होंने उसी शख्स यानी कि किंग खान का मजाक उड़ाया था। वहीं विवाद तो तब खड़े हुए जब अभिजीत पर एक महिला ने जबरन किस करने तक के आरोप लगा दिए थे। 30 अक्टूबर 1958 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में अभिजीत का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। कानपुर से निकलकर अभिजीत ने अपने करियर के लिए सपने बुने और साल 1981 में मुंबई आकर उन्होंने सिंगिंग की और अपना पूरा ध्यान दिया। फिर क्या था, उनकी मुलाकात मशहूर सिंगर आरडी बर्मन से हुई और फिर उन्हें देव आनंद के बेटे की फिल्म आनंद और आनंद के लिए गाने का ऑफर मिला। यहीं से उनके करियर की शुरुआत हो गई, जिसके बाद अभिजीत 90 के दशक के पॉपुलर सिंगर बनकर उभरे थे। उस दौर में एक ऐसा वक्त भी आया जब अभिजीत ने शाहरुख के गानों में अपनी आवाज दी। उनकी आवाज का जादू यूं चला कि शाहरुख की फिल्म के गाने हिट होते चले गए, जिसके बाद अभिजीत को शाहरुख की आवाज कहा जाने लगा। लेकिन जिस अंदाज में ये जोड़ी हिट हुई थी, उसी तरह इसका अंत भी हुआ, वो भी अभिजीत की एक हरकत की वजह से। अपने एक इंटरव्यू में अभिजीत ने शाहरुख खान का मजाक उड़ाते हुए कहा था, जब तक मैं शाहरुख के लिए गाता था तब तक वो रॉक स्टार हुआ करते थे, हालांकि जब मैंने उनके लिए गाना छोड़ा तो वो लुंगी डांस पर आ गए। इस बयान के चलते इनकी जोड़ी टूट गई थी। कहना गलत नहीं होगा कि इस बयान को लेकर अभिजीत ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वैसे सिर्फ यही नहीं, बल्कि अभिजीत का नाम सुर्खियों में तब आया जब उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। जी हाँ, अभिजीत पर शोषण और यहाँ तक कि एक पब में जबरन किस करने का इल्जाम लग चुका है। दरअसल एक फ्लाइट अटेंडेंट्स ने कुछ सालों पहले अभिजीत भट्टाचार्य पर आरोप लगाया था कि कोलकाता के एक पब में उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया। इतना ही नहीं, उस महिला ने दावा किया था कि अभिजीत ने मेरे बाएं कान पर लगभग चूमते हुए काट लिया था। इसके अलावा एक महिला का कहना था कि दुर्गा पूजा पांडाल में कैलाश खेर के लाइव शो के दौरान अभिजीत ने उनसे छेड़छाड़ की थी। हालांकि अभिजीत ने इन आरोपों को सिरे से नकारा था। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं अपनी लाइफ में कभी पब नहीं गया। वहीं इन सब विवादों के चलते धीरे धीरे अभिजीत इंडस्ट्री से भी गायब हो गए। वहीं उन्होंने 90 के दशक में ये दिल लगी, अंजाम, फूल और अंगार, राजा बाबू, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी जैसी कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। ब्यूरो रिपोर्ट।